शुभ संध्या मु चिन्मय महापात्र आ गोटे नुआ सेसन रे ऑन एकेडमी ओपीएससी लाइव रो समस्त स्वागत करुची। मु चिन्मय महापात्र मोर क्वालिफिकेशन हला एमएससी बीईडी उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे दीटा जाक। आई हैव क्वालिफाइड डिफरेंट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइक ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑल द पेपर्स। I have more than 7 years of teaching experience to students preparing for different competitive examinations, my dear friends. The first janiba OPSC subscription amaku kemiti amma lakhya re pahunchiba ko amaku help kariba, how it will help to crack our target. Rupanjali Food Health and More, good evening. So how OPSC helps in helps us to reach our target, to crack our target. आमे जदि लाइव क्लास करिबा ताहले ओडिसार सब गवर्नमेंट सर्विस पई आमे प्रिपेयर हे परिबा करे बसकी आमको के हेल्प करिवे प्रिपरेशन रे टॉप एजुकेटर्स माने आमको हेल्प करिवे स्टार्टिंग फ्रॉम लक्ष्मीधर सर टू यज्ञ सिनी मैम समस्त वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड आ से माने जानंती हाउ टू गाइड स्टूडेंट्स टू रीच देयर टारगेट। प्रणाम शिवानी, जय जगन्नाथ। सो कौन सब सब्जेक्ट्स अच्छी जहाँ हमें लर्न करी परिवार यात्रा रे हिस्ट्री मिसलेनियस ज्योग्राफी स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक सिलेबस प्रिपरेशन लैंग्वेज एनवायरमेंट इकोलॉजी एप्टीट्यूड इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर्स साइंस टेक्नोलॉजी ये सब सब्जेक्ट रे हमें नॉलेज गेन करी परिवार थ्रू दिस ऑन एकेडमी रो लाइव ओपीएससी रे। कौन सब कोर्स अपकमिंग आ ऑनगोइंग अच्छी ओएएस रो मेन जो कंपलसरी पेपर्स अच्छी जहाँ सब ऑप्शनल पेपर्स अच्छी ओसीएस एएसओ ओएमसीजेसी सीटी बीएड ओटीईटी ओएसएसटीडी ओएफएस जो टार सब इंपोर्टेंट पार्ट मो डिस्कस करूची एवरीडे 7:30 PM इवनिंग रे ओएसएससी जेसी ए सब सब्जेक्ट्स सब थी पाई प्रिपरेशन हमें करी परबा। लाइव क्लास कले हमको कण मिलिबा वीकली क्विज मिलिबा। अबकास गुड इवनिंग एंड वेलकम संतोषिनी शिवानी यस। सो टेस्ट सीरीज मिलिबो डाउट क्लियर आमे करि परबा जहां भी डाउट होची कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके आमे लर्न करि परबा आ हमको मिलिबे टॉप एजुकेटर्स वा श्रेष्ठ शिक्षाविद। हमको 12 मंथ्स पई सब्सक्राइब करबा कोले 7000 ओनली दबा को पडुची आ जदी 24 मंथ्स पई करबा तो 8400 आवाकू आमे ईएमआई थ्रू रे भी पे करि परबा विथ इंस्टॉलमेंट्स आ ए जो अमाउंट्स अछि या ऊपर आमे 10% डिस्काउंट भी पाई परबा। ओके सो लाइव क्लास जदि मिस हला ताहले रिकॉर्डेड वीडियो रु आमे भी लर्न करी परिवा। पिला माने जो मु कहली 10% डिस्काउंट सेथि पई 10% डिस्काउंट पाइबा पई मोर रेफरल कोड अछि CMS_biology। ए रेफरल कोड को यूज करले यस CMS_biology रेफरल कोड को यूज करके पिला माने तमे 10% डिस्काउंट पाई परिवा। तो आज सेसन एबे स्टार्ट करिवा। सेसन स्टार्ट करिवा पूर्वर पिला माने आज गोटे मु रखी जोटा कि कमन आईडिया आसीज आमको ओस्टेट एग्जाम रो पैटर्न उपरे। सो ओस्टेट रो एग्जाम पैटर्न यस तम मैंने तो जानी चाह बट आउ थे आम डिस्कस करवा आ देखा पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट इवालुएसन लर्निंग प्रोसेस ये सब रो इम्पोर्टेंस केते अच्छी। ओके सो देख आम टीजीटी आर्ट्स रु हो पारू साइंस रु पीसीएम सीबीजेड किसी भी हो पारे संस्कृत हो तेलुगु हो उर्दू हो हिंदी टीचर हो किसी भी तो आमर एटी ओस्टेट रे आमर पेपर्स कौन सब निहाती आमको कंपलसरी पेपर्स कौन सब अच्छी आम देखा पिला माने कंपलसरी पेपर्स आमर एटी ओडिया और इंग्लिश ए दुटा हूँ कंपलसरी पेपर्स। तो ओडिया इंग्लिश आमको 20-20 मार्क्स माने 40 मार्क्स अटेंड करिवार अछि आउ एथरे क्वालिफाई करिवार अछि। तापर आम जब टीजीटी आर्ट्स देखा ये पुणी आउ थे ओडिया इंग्लीश रोचे पे आर्ट्स पे स्पेशली 15-15 मार्क 15-15 मार्क्स आउ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स मिसिकी पुणी 30 मार्क्स एमती है कि 60 मार्क्स आसूची तो 60 प्लस सियाड़े 40 ओडिया आउ इंग्लीश एमती है कि होगा के 100 एक्जाक्टली सेमती से 40 मार्क्स कंपलसरी अच्छे पे समस्त टीजीटी साइंस रि पीसीएम पिला आम तेल मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री रे 20-20 मार्क दस टोटाल होगा 60 मार्क प्लस ओडिया इंग्लीश 40 ये होगा 100 एक्जाक्टली सेमती सीबीजेड रे केमिस्ट्री बटनी जुलूची केमिस्ट्री सीबीजेड पीसीएम पिला समस्त सेम सिलेबस रोचे
The chemistry, botany, zoology, tinta category 2020 marks, AP Higala 60, Sanskrit, Hindi, Urdu, Telugu. Emananko pine 60-60 marks, tanker language. How finally a section tamujuta discuss kuchi takatamukuchi section IV. Fourth section re sabu to important achi child development, pedagogy, school management and evaluation. Jota ki maximum weightage mo starting ru kuchi, maximum weightage carry kuchi. So that is 50 marks. Okay. So yes, Rupanjali, just watch this, concentrate on this, and ame sabu jinsa discuss kariba gradually. The child development, pedagogy, school management and evaluation kahi ki important mo barambar kahuchi tara regional art, TGT arts pe prepare kara, TGT science, PCM, CBZ jaha bhi ho, kimba sabu classical teacher, Hindi teacher, Urdu, Telugu kichhi bhi hue Sanskrit, तो ये सब बुद्धि पाए हमारे इटा रहा बहुत इम्पोर्टेंस वेटेज रहा 50 मार्क्स, ओके इटा सुबह इटा हो ची ओस्टेट सिलाबस ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इटा में डिस्कस करूँ ची, ओके सो आज इरा टॉपिक पिला माने भी स्टार्ट कर दवा आज इरा टॉपिक स्टार्ट करीबा तो आजिरस टॉपिक टॉपिक तम माने जानी छ इट इज द साइकोमेट्रिक अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस जो टर की फर्स्ट पार्ट टा में डिस्कस करी थिले प्रीवियस सेशन रे थॉर्स्टन र तो आज हम डिस्कस करबा गुइलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस कोना यार भी बहुत इंपोर्टेंस बहुत अधिक वेटेज रहू छ पिला माने ओके सो यस शिवानी सुबु रूपांजलि लेट्स स्टार्ट Guilford and his associates, while working in psychological laboratory in University of California, developed a model of intelligence. Semane kouti kama korutile? Semane kama korutile University of California. Eta bhi question sa se pilamane. University of California re kama korutile Guilford. And semane develop korutile tanko associates ka sahita messi ki develop korutile gote model of intelligence. सेटा कोचे गिलफोर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस ओके गिलफोर्ड कमेंसेस बाय डिफाइनिंग ए फैक्टर एज ए यूनिक एबिलिटी दैट इज नेसेसरी टू डू वेल इन डेफिनाइट टास्क और टेस्ट तो फैक्टर बहुत गुड़े नहीं थे गिलफोर्ड और से फैक्टर गुड़ा कौन एगुड़ा होचंद यूनिक एबिलिटी दैट इज नेसेसरी टू डू वेल इन डेफिनाइट टास्क और टेस्ट गोटे स्पेसिफिक टास्क बट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रे बेस्ट करिबा को हेले ए फैक्टर भितरु किछिटा फैक्टर हमकु दरकार पड़े सो एगुड़ा होचंद ए फैक्टर गुड़ा होचि यूनिक एबिलिटी ओके ए क्वेश्चंस भी आसे फैक्टर माने कोन अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड ए यूनिक एबिलिटी दैट इज नेसेसरी टू डू वेल इन डेफिनाइट टास्क और टेस्ट यस साइंस बीएड रो क्लास भी आसीब सुबु डोंट वरी संतोषिनी ओके यस सीटी एग्जाम रे बीएड एग्जाम रे भी आसीब टीजीटी पई भी आसीब आ डिफरेंट टीटी एग्जामिनेशंस पई भी आसीब मुजा डिस्कस करची एगुडा ओवरऑल फॉर ऑल द डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड टू क्वालिफाई योर टारगेट टू बी ए टीचर टीचर हेला जाए ये तुमको हेल्प करियो ओके Guilford structure of intelligence. In other words, behavior is the reflection of intelligence. Psychometric approach is to understand the nature of intelligence. The psychometric approach हमें discuss करूँ चे. Yesterday class में discuss कर चले Thorsten. आज ही discuss कर चे Guilford. Tomorrow discuss करीबा Gardner. ये सब बहुत important. Okay? ये तीन टा ना Thorsten, Guilford, Gardner. According to them. What is intelligence? Different type of questions as well. To ask about yes, arts, science, sabu important topic. I discuss kariba, but this is very important. Mostly, I touch karuchi. Guilford proposed a 3D model of intelligence called structure of intellect model. What a 3D model karthile. से कहले जे इंटेलिजेंस टा टू डायमेंशनल नो एटा होची थ्री डायमेंशनल आउ थ्री डायमेंशनल ये गुटे स्ट्रक्चर बनैथिले तीनटा डायमेंशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आउ जेड एक्सिस रे कोन सब नै कि बनैथिले सेटा हमें देखिबा गिलफोर्ड मॉडल कैन बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ थ्री बेसिक पैरामीटर्स तीनटा पैरामीटर ता अंडर रे आसुची बेसिक पैरामीटर थ्री डी मॉडल के देथिले गिलफोर्ड ओके फर्स्ट देखिबा व्हाट आर द फैक्टर्स इन डिफरेंट पैरामीटर्स पैरामीटर्स तो जानले तीनटा अछि तो फर्स्ट पैरामीटर अंडर रे कौन सब फैक्टर अछि ऑपरेशन
आउट ऑपरेशन टा होची गोटे पैरामीटर या अंडर रे पांचटा डिफरेंट फैक्टर्स अछंती ओके कौन से गुडा कॉग्निशन रिफर टू डिस्कवरी एंड रिकॉग्निशन ये कॉग्निशन एबिलिटी टा कौन डिस्कवरी और रिकॉग्निशन करिवार पावर ये गोटे फैक्टर सेकंड फैक्टर मेमोरी मेमोरी टा कौन रिटेंशन ऑफ व्हाट इज कॉग्नाइज्ड जोटा जणा पडला ताकू मने रखिवा ओके तो मने रखिवा ताकू कहूचे आमे मेमोरी जहां जानिले ताकू रिमेंबर करिवा कन्वर्जेंट थिंकिंग जनरेशन ऑफ इनफॉरमेशन फ्रॉम गिवन इनफॉरमेशन किछ गिवन इनफॉरमेशन अछि सेटा को नै कि आमे नोआ इनफॉरमेशन करिवा जोटा मैथमेटिक्स रे से कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग बिला माने एसोसिएटेड विथ क्रिएटिविटी एटा आमे करीचे यार एमसीक्यू रिलेटेड एमसीक्यू करचे क्रिएटिविटी सहित रिलेटेड अच्छी डाइवर्जेंट थिंकिंग गोटे जिनस मेनी आस्पेक्ट्स को जानिबा फिफ्थ वन इवैल्यूएशन वी रीच कंक्लूजन एंड डिसीजंस एज टू गुडनेस करेक्टनेस सुटेबिलिटी और एडिक्वेसी इवैल्यूएशन माने कौन जानिबा जनकर एबिलिटी गुड अच्छी करेक्ट अच्छी सुटेबल ना एडिक्वेट एडिक्वेट अच्छी ना नहीं ये सब जिनस को जानिबा ओके सो यस ये सब होचंती पांचटा होचंती फैक्टर्स ऑफ द पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर जोटा गोटे एक्सिस रे नहींथिले किए गुलफॉर्ड दैट वन इज ऑपरेशन सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन दैट इज कंटेंट सो इट इज ए सेकंड वे टू क्लासिफाई द इंटेलेक्चुअल फैक्टर इज अकॉर्डिंग टू काइंड्स ऑफ material or content involved kinds of material or content involved the content kon sab figural content kouthi pai kou factor ta use hoba jemti ya purbaru ame panch ta factor use kale star or relation aa sahit bhi achi content sahita figural content mane it is material perceived through the senses sense ko use karke janiba symbolic content kon letters digits ko use karke janiba semantic कंटेंट कौन फॉर्म ऑफ वर्बल मीनिंग और आइडिया वर्बल एडा लैंग्वेज सहित रिलेटेड बिहेवियरल कंटेंट कौन सोशल इंटेलिजेंस और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ्स एंड अदर्स निज को जानिबा अन्य को जानिबा सोसाइटी रे रहउचे सोशल इंटरेक्शन ओके ओके सो बिहेवियरल कंटेंट तो ये सब होची कौन कंटेंट्स ये सब डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द पैरामीटर कंटेंट ये गोटे एक्सिस रे रहइबो ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पैरामीटर दैट इज प्रोडक्ट आर छोटा डिफरेंट फैक्टर्स अछि नंबर 1 यूनिट्स यूनिट्स गोटे पैरामीटर कार ऑफ प्रोडक्ट रा विजुअल ऑडिटरी एंड सिंबॉलिक यूनिट्स देन क्लासेस द एबिलिटी टू क्लासिफाई यस द एबिलिटी टू क्लासीफाई इंटू वर्ड्स आइडिया रे प्रकाश करिबा रिलेशंस एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट दुटा ऑब्जेक्ट भितर रिलेशनशिप टा कौन जानिबा सिस्टम्स एबिलिटी टू स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस और टू स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स इन प्रिपेरेशन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन तैयारी करिबा पूर्वरु टोटल प्रॉब्लम टा को जानिबा फिफ्थ वन ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी टू विजुअलाइज द रिजल्ट ऑफ एनी चेंज किसी चेंज है ना नहीं विजुअलाइज करिवार एबिलिटी से ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट वन इम्प्लिकेशन यस इम्प्लिकेशन माय फ्रेंड इट्स द एबिलिटी टू एक्सटेंड एक्सपेक्टेशन एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंट इनफॉर्मेशन इनटू द फ्यूचर वर्तमान रो इनफॉर्मेशन को नेकी फ्यूचर रो रिजल्ट को प्रेडिक्ट करिवार कैपेसिटी दैट इज इम्प्लिकेशन सो ए सब ए जो तीनटा रहिला पैरामीटर या अंडर रे प्रोडक्ट्स अंडर रे हमें देखिले छोटा डिफरेंट फैक्टर अछि पिला माने कंटेंट अंडर रे चारटा अछि एंड हमें देखिले ऑपरेशंस अंडर रे पांचटा अछि ओके सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स and the factors present in the parameters so now it's the time for mcqs shivani santoshini rupanjali shubhu anita rajesh all are get set all get ready okay so let us start the different mcqs related with the psychometric approach of understanding
Intelligence by Guilford and आज पर एवरी डे जमी सबुदिन आम कि ओवरअल एम सिक्यूज भी डिस्कस करूचे सेमती भी किसी एम सिक्यूज अच्छी तो डिस्कस कर पे स्टार्ट करवा आर यू ऑल रेडी यस रिप्लाय विथ यस आर यू ऑल रेडी यस ओके So, my dear friends, let's start the first question for you. Guilford and his associates were working in a psychological laboratory in the University of London, America, California or Weston? Yes. Yes, Guilford, who university re tanka associates ka sahita kama karuthile? In which university? Yes. Very good, Rupanjali. This is the profit. Eta huchi labho fast to attend college class. Okay, Anita. Yes, very good. So, the university is California. It is exactly Southern California. Okay, Guilford and Associates Kodi Kama Kortila, California University, Department of Psychology, Psychology Laboratory. Yes, answer is C. Sibani. Yes, Odisha Rasgulla. Welcome. So, let's go for the second question, my dear friends. A unique ability that is necessary to do well in a definite task or test is the definition given by. Yes, a unique ability that is necessary to do well in definite task or test. Jo ability ta gote definite task ba test re good kariwa pai help kare. Yes, very good. Rupanjali, Santoshini, Sibani. Yes. So, आज जोड़ा पढ़ी जोड़ा डिस्कस कर राजेश यस द आंसर इज Guilford इट इज ए सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्री वे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी थ्री वे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रे आ भितरु कौन सब अच्छी यस ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट ऑल द एबोव Operation, content, product, all the above. Yes. What is the answer? Santoshini, Rupanjali, Rajesh. Yes, very good. It is all the above. Operation gote axis re nithile, content gote axis re, product gote axis re. It is 3D model of intelligence, psychometric approach by Guilford. The answer is all the above. D. Sivani, very good. Yes, let's move on question number four, which is the most important fundamental operation of learning process. Yes, learning process from most important fundamental operation quota. Very easy one. Very easy question number four. Yes. Question number four. Which is the most important fundamental operation of learning process? Yes, Santoshini, Sivani. Here, remember the most important one is related with mind. I have told you, sabu bale kouchi mind saita related hela means cognition. So the answer is A, my dear friends. Cognition is the most important fundamental operation of learning process. Mind ra involvement hava darkar. Anita, Sivani, Rajesh, Santoshini, are you getting? So mind ra involvement kete hochi ta upar depend karuchi. Yes, Rupanjali. Yes, the answer is A, Santoshini, Odisha, Rasgulla. Very good, Rupanjali. Yes, the answer is A, cognition.
So let's move on. The main reason for non-achievement of full literacy in India is India re kahin ki full literacy hai parne sakshrata hara 100% nahavara karana kon India re. Yes, Sumitra Pradhan, you are late. Okay, next time come in time. कौन कारण शत प्रतिशत साक्षरता हार न होवार कारण इंडिया रे लैक ऑफ फंड्स पैसा नहीं इनकैपेबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फंड अच्छी बट कैपेबल नो यूटिलाइज करबा को लैक ऑफ सुइटेबल फैसिलिटीज फैसिलिटीज नहीं लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल गोल अचीव करबा पई विल नहीं इच्छा नहीं यस व्हाट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 5 लुक एबे सर्वशिक्षा अभियान अंडर रे प्राय सब एरिया रे फैसिलिटीज बहुत भल हो गलानी तो लैक ऑफ सुइटेबल फैसिलिटी हमें कहि परिबानी एवरी व्हेयर देयर आर स्कूल्स इन एवरी 2-3 किलोमीटर्स प्राइमरी स्कूल्स आर देयर इन एवरी 5 किलोमीटर्स देयर आर हाई स्कूल्स ओके सब टू इंटीरियर जगह रे भी स्कूल हो गलानी सो फैसिलिटीज आर देयर फंड्स आर देयर ओके वी आर कैपेबल आल्सो टू यूटिलाइज द फंड So what is the answer? Shibani, Anita, Sumitra, Rupanjali. Yes, here the lack of will to achieve. The answer is D. We don't have the will to achieve the target. Because हमें देखी चे बहुत जगह रे छोटो छुआ मने एबे भी माँ बापा के संगे बसे की भीख मांगु छंती एबे भी माँ बापा जानी छंती जे फ्री रे एजुकेशन मिलुची With books, books भी मिलुची, uniform भी मिलुची, सब facilities government रहा ची, but they do not have will. Yes, Rajesh, very good, Odisha, Rasgulla, very good, Santoshini, Anita, Sumitra, Shivani, all are very good. Okay, so answer is D. Question number 6, Operation Blackboard is related to Operation Blackboard is related to primary education, secondary education, higher secondary education, all the above. Yes. Shivani, Sumitra, Rupanjali, yes, tell. Question number 6 for you. Yes. Okay, question number 6, the answer is, again dhoka, not all the above, now think, it is not all the above I am telling, so what are, other 3 are remaining for you, primary education, secondary education, higher secondary education, A, B or C, tell me, Sumitra Pradhan, very good, Rajesh Meher, yes, that one Santoshini, yes, you are right, Sumitra, that is A, primary education, Saita related, thila. Blackboard, Rupanjali, Odisha, yes, so it is A. Question number 7 for you, evaluation is useful to assess, evaluation कौन असेस करिवा पई दरकार कौन जानिवा पई दरकार नॉलेज एंड स्किल जानिवा को दरकार एटीट्यूड्स एंड स्टडी हैबिट्स जानिवा को दरकार इंटरेस्ट एंड अप्रिसिएशन जानिवा को दरकार ना सब जानिवा को इवैल्यूएशन दरकार यस व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ इवैल्यूएशन टू असेस नॉलेज एंड स्किल टू असेस एटीट्यूड एंड स्टडी हैबिट्स टू असेस इंटरेस्ट एंड अप्रिसिएशन ऑल द अबव Yes. Question number 7. Okay, this time Rupanjali. Yes. Yes, question number 7. To assess. All Sumitra, very good. Odisha Rasgulla, yes. This time you are right. Santoshini. So D is the answer. Evaluation is useful to assess knowledge and skill, attitude and study habits, interests and appreciation. Question number 8 for you. Which of the following is a quality of a teacher? Yeah, with your quota teacher quality. He
presenting the subject matter in an effective manner with clear explaining leading to better understanding of the matter. Yes, Rajesh, very good. Anita, Shivani, tell me this one, question number 8 for you. He should be trained to various teaching methodologies. He should know the child psychology, all of these. Shivani, Anita, Santoshini, Rajesh. Yes, yes, all of you. All of you, all of these. Yes, this time you are right. These are the different qualities. A, B, C, all these qualities should be there within a teacher. Question number 9. Ability to carry on abstract thinking and to adapt to situation. Ability to carry on abstract thinking and to adapt to situation is efficiency, intelligence, learning aptitude, or developing aptitude. Yes. Ability to carry an abstract thinking quality taku ame kon kahiba ame ko bisare discuss karuthile ebe psychometric approach of what. Yes, Guilford unkar theory ta ka upar thila, that is the answer. Efficiency, intelligence, learning aptitude, developing attitude. Yes, what is the answer? Shivani, Santoshini, Rajesh, Odisha, Rasgulla. Yes, Anita Patra, what is the answer? Is it D? Abstract thinking. Yes. Sumitra Pradhan, the answer is B, my dear friends. It is intelligence. Intelligence is important. So ability to carry on abstract thinking and to adapt to situation is intelligence. The answer is intelligence, my dear friends. 9 is B. Rupanjali, yes, it is B. Santoshini, yes, yes, Odisha Rasgulla, yes, yes. So, question number 10 for you. Okay, question number 10 for you, my dear friends. Santoshini, yes, Babile Avani answer the Varachi. Now, Asiki, exam ro Asila Pore, both Pastava Hava, Je Are, Janithili Bulegala. So, attentively. Okay, narration is more useful in, narration mane writing capability is more useful in math teaching. Math re darkar narration, science re darkar, language teaching re darkar. Yes, language teaching re darkar na computer education re darkar. Narration is important in what? Yes, yes, Rupanjali, very good. So narration means writing capability. Without writing capability, without capacity in by using different sense. Santoshini, Sumitra, Rajesh, yes, it is language. See, so C is the answer, which is language teaching. It is important. Narration is important in language teaching. Lockie Malik, welcome to my classes. Okay, so let's move on. Question number 11. Cognitive domain is related to. Cognitive domain ka sahita related. Yes, cognitive mana mind as gala, knowledge, feeling, psychomotor skill, remembering. Yes, what is the answer? Yes, question number 11, my dear friends. Cognitive domain is related to. Cognitive domain ka saitha related, knowledge saitha feeling saitha psychomotor skill or remembering. Yes. Yes, on academy re ebook available achi, but dekhiba ko padiba tamaku tamara requirement hisab re. Rajesh, Santoshini, Rupanjali. Yes, it is the answer is A, my dear friends, because Lockie, very good. So it is A. So cognitive domain is related with mind, and knowledge is also related with mind. Yes, Sivan.
So let's move on. Question number 12. School can be considered a dash group as far as socialization is concerned. Socialization हिसाब रे socialize हवा पाई school requirement तो अच्छी हमें जानी चाहिए किंतु how much it is required कितने required primary requirement primary group जो कि उड़े child socialize हुए ना secondary ना supplementary ना tertiary yes क्वेश्चन नंबर 12 अनीता शिवानी सोशलाइजेशन आई एम टेलिंग सोशलाइजेशन सोशलाइज कोठी हम चाइल्ड फर्स्ट कोठी सोशलाइज हम सेकंड कोठी सोशलाइज हम थर्ड कार इंपोर्टेंस अच्छी सेम अनुसार प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी है जी ओके राजेश रूपांजलि वेरी गुड yes yes my dear friends lucky santoshini shibani look here the primary group or primary factor for making a child socialize karibare primary hobo family karan se family re asila family re born hala family pare se jiba school ko so school is the secondary my dear friends 12 the answer is b secondary group as far as socialization is concerned yes so my dear friends let's move on to question number 13 oral and mental tertiary means look santoshini so primary secondary then tertiary third one okay primary secondary tertiary quaternary likewise so basic first is primary then secondary tertiary okay so oral and mental work will be more useful in oral and mental work koti besi darkar language and math teaching science teaching social science teaching or none of these yes family is primary rupanjali so tell me question number 13 what is the answer oral and mental work will be more useful in yes very good lucky yes santoshini very good so oral is important for language mental is important for math so the answer is a for 13 shivani sumitra very good rupanjali yes the answer is a that is language and math teaching yes my dear friends jadi tame mane video ko like karina please like the video okay so that it will encourage me to make more classes for you the encouragement bina kahi bhi kaam kariba ko sate pasand karanti ni so please hit the like button so that it will encourage me to produce more videos for you like this okay so jadi tame bhabu cha je mu tamku help karuchi to target aade jiba pai then please hit the like button au pila mane description box re achi लिंक टू फॉलो मी से लिंक को जाके मते फॉलो करी परिवा यस अनीता थैंक यू वेरी मच राजेश रूपांजलि वेरी गुड ओके थैंक यू शिवानी सो यू कैन आल्सो फॉलो मी फॉलो करिवा पई लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे राजेश मेहर थैंक यू फॉर योर फीडबैक थैंक यू फॉर योर फीडबैक यस Santoshini thank you Sumitra yes thank you question number 14 for you my dear friends so let's move on Shivani okay so psychologically the stage of development with more adjustment problem is the psychologically co developmental stage re maximum adjustment problems dekha jaye first stage of life jo infancy second stage of life childhood then adolescence and finally adulthood to sabbu thu adhika adjustment problems pila mane ko thi kariba ko pade anita thank you very much shivani thank you dear yes yes
So we have already discussed about the problem and needs of adolescents in my different classes. तो हमें आगे रो डिस्कस करी सारी चीज़ problem और need of adolescents. जो मने पिला मने जो दी मोर से वीडियो देखी ना ताहले अनेक अकादमी ओपीएससी लाइव रो प्लेलिस्ट रे जाई कि चिन्मय महापात्र मोना जो अंडर रे मोर सबू वीडियो जाची तमें सेटी जाई कि चेक करी पारी बा. ओके शुभ वेरी गुड द आंसर इज सी लकी वेरी गुड अनीता रूपांजलि सुमित्रा द आंसर इज सी दैट इज द एडोलेसेंस पीरियड जोटी की बेसी फिजिकल चेंजेस हुए बॉडी रे चेंजेस हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रो ग्रोथ हुए मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अधिक हुए. यस यस शुभ वेलकम टू माय क्लासेस. ओके सो जेहेतु ए सब वेरिएशंस हमर एडोलेसेंस पीरियड रे हुए पिला माने एडोलेसेंस पीरियड रे मैक्सिमम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हुए जो माने मोर प्रीवियस क्लास गुडी का देखी ना पिला माने अन एकेडमी ओपीएससी लाइव रो प्लेलिस्ट रे चिन्मय महापात्र अंडर रे जो सब वीडियोज अछि यू कैन चेक दैट. क्वेश्चन नंबर 15 माय डियर फ्रेंड्स फॉर यू. यस लकी मोर सब दिन इवनिंग 7:30 रे क्लास होची. Okay, 15. Question number 15. The psychologist who discussed about concrete operational stage is concrete operational stage. Yes, Subha Mo class Sabadina A on Academy Live OPSC Rehi 7:30 Rehochi. तो ऑनलाइन क्लास करी हबो आउ जदी मोर वीडियोस को ऑफलाइन जाई कि देखिवार मोर प्रीवियस वीडियो को जाई कि चेक करिवार अछि तमे जाई कि ऑनलाइन जाई कि अनअकैडमी लाइव ओपीएससी रो प्लेलिस्ट रे चेक करि परिबो चिन्मय महापात्र. ओके सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15. यस संतोषिनी वेरी गुड थिंक अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट. कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल यस कार ऑफ स्टेजेस एगुडा सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट कार पिला माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ब्रनर थोर्नडिक पियाजेट वाटसन कार कॉग्निटिव डेवलपमेंट. यस रूपांजलि मोर मोर टेलीग्राम रो आईडी मो आज दे देबी. ओके यू कैन कंटाक्ट मी थ्रू दैट जिते सब डाउट्स अच्छी तुम मैंने से भी मत पचारिपार. ओके हियर वेरी गुड रूपांजलि राजेश. यस माय डियर फ्रेंड्स द आंसर इज सी दैट इज पियाजेट साइकोलॉजिस्ट हु डिस्कस्ड अबाउट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज जीन पियाजेट. हमें जानी पियाजेट्स थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो डिस्कस कर सारी आगे को भी डिटेल डिस्कस करवा. ओके यस राजेश रूपांजलि वेरी गुड. सो माय डियर फ्रेंड्स जोटा कि मुझी मोर टेलीग्राम रो आईडी कथा तो टेलीग्राम रो मोर चैनल अच्छी सेटा होची सी एम अपोस्ट्रोपीएस बायोलॉजी CMS बायोलॉजी. सो तुम्हें माने जाई कि CMS बायोलॉजी को सब्सक्राइब करले से चैनल रे मु डिफरेंट वीडियोज रा लिंक्स भी दे छी सिलेबस भी OSSTET रो आउ डिफरेंट TET एग्जामिनेशन रा सिलेबस भी तुम्हें माने सेठू कलेक्ट करी पारिबो तो CM अपोस्ट्रोपीएस बायोलॉजी जोटा कि मोरो टेलीग्राम चैनल सेठी की जाए कि मो सहित निजर डाउट्स शेयर करी पारिबो. ओके सो आउ गोटे जिनस पिला माने ए जो वीडियोज अच्छी तम संग मान सहित शेयर कर सो दैट बेसी पिला आसीबे आउ आमे डिस्कशन आउरी भलरे करी पारिबा तम संग माने भी या द्वारा प्रॉफिट पाई पारिबे बिकॉज आमे जानिचे नॉलेज को शेयर करले नॉलेज बढ़े कमे नहीं. ओके सो सुमित्रा अनीता शिवानी राजेश. यस माय डियर फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आउ मोर क्लास मु बारंबार कहूँ 7:30 पिला माने सब दिन संध्या 7:30 रे आमे डिस्कस करिबा डिफरेंट टॉपिक्स. ओके
So these are very important for BED, CT, different TGT examination, tomorrow arts ho, science ho, PCM, CBJ, kichhi bhi hai paare, different TET examination, CTET, OTET, OSSTET, kichhi bhi hai paare, sabuthi paai, ehi jo hame part discuss karuche, aro maximum weightage achi, bahut important role play karuche, बुझेगा तो सब दिन आम या डिस्कस करवा. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स लकी राजेश संतोषिनी ऑल ऑफ यू. ओके सुमित्रा रूपांजलि अनीता एवरीवन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. प्लीज शेयर दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज फॉलो मी. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक्स एवरीवन. गुड नाइट. हैव अ नाइस डे.